Till I get up, time is barely on our side. और है ना इसमें एक और है, इसमें ये निकालो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रीयूजेबल ड्राइंग बुक की अनबॉक्सिंग एंड अली हमज़ा का रिएक्शन, कि अली हमज़ा का रिएक्शन क्या था इस ड्राइंग बुक को देखने के बाद। सो, इस बुक का रिव्यू हम वीडियो के एंड में देंगे, पहले हम अली हमज़ा का रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। एक्चुअली ये ड्राइंग बुक मैंने 6 मंथ पहले ही ऑर्डर कर दी थी, पर तब अली हमज़ा बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए मैंने इस बुक को उठाकर रख दिया था। अब मैंने इसे निकाला है, देखिए अली हमज़ा कैसे सेट हो रहे हैं इस ड्राइंग बुक पर लिखने के लिए। सो हम उन्हें कह रहे थे वन लिखो, सो अली हमज़ा ने ऐसे लिखा। अली हमज़ा ने पहले येल्लो कलर की पेन ली थी एंड देन अब वो देख रहे हैं कि कौन सी कलर उन्हें पसंद आता है, बिकॉज़ अली हमज़ा को आजकल कलर डिफरेंस समझने लगे हैं। सो उन्होंने ये ब्लू कलर की पेन ली है और देखो उन्होंने कैसे डिफरेंस देख रहे हैं उधर येलो कलर की पेन में एंड ये ब्लू वाली में। माशाल्लाह से अली हमज़ा को पेन पकड़ने भी आ गई है और वन बस उन्होंने हॉरिजॉन्टल ही लिख रहे हैं। मैंने हाथ पकड़ कर भी सिखाया बट वो मैंने शूट नहीं किया शायद। एक मरतबा हमने अली हमज़ा को ये बुक दी थी, इसीलिए अली हमज़ा को पता है कि कैसे लिखना है। अरे नो नो बेटा, इसमें लिखो। मैं और मेरे सिस्टर बस वेट कर रहे थे कि एक बार तो भी अली हमज़ा अच्छे से वन लिख ले। वन, ये देखिए आखिरकार फाइनली माशाल्लाह अली हमज़ा ने वन लिख लिया है। भले ही हॉरिजॉन्टल लिखा बट वन, देखो उन्होंने कितना स्ट्रेट लिखा, माशाल्लाह। फाइनली जब इतनी कोशिश के बाद अली हमज़ा ने एक बार तो भी स्ट्रेट लिखा तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। माशाल्लाह से अब बोलने पर जैसे हम बोल रहे हैं वन लिखो, तो अली हमज़ा वन लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर ही रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए अली हमज़ा कितना अच्छा इरेज भी कर रहे हैं। अब अली हमज़ा बोर हो चुके हैं पढ़ाई करके, सो पेन मम्मा रख दीजिए, सब कुछ रख दीजिए, अब हम बोर हो गए हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और बच्चे वो फॉलो करते हैं और सीख जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा खुशी होती है। उसी तरह मुझे भी जब अली हमज़ा ने वन ड्रॉ कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सो अली हमज़ा को प्रॉपर तरीके से सब कुछ पता चल गया है कि इस ड्राइंग बुक को कैसे यूज़ करना है और पेन कैसे यूज़ होती है, इरेज़र को कब यूज़ करना है। सो चलिए बात करते हैं अब इस ड्राइंग बुक के बारे में। इस ड्राइंग बुक के साथ 12 कलर पेंसिल्स आते हैं एंड 2 वाइप्स आते हैं और 2 चॉक पीस आते हैं एंड 2 इरेजर आते हैं
और ड्राइंग बुक में 9 to 10 शीट्स आती है एंड 1 ट्रांसपेरेंट आती है, ताकि आपके बच्चे अच्छे से ड्राइंग कर सके। जो आपने ये ड्रॉ करके दिया हुआ है वो ट्रांसपेरेंट शीट को ऊपर रखकर बच्चा उसी तरह सेम ड्रॉ कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये एकदम स्लेट टाइप है, पहले के जो स्लेट आते थे उसी तरह ये ड्राइंग बुक है। अगर आपके बच्चे नर्सरी जाते हैं या नर्सरी जाने वाले हैं, या फिर आप उन्हें घर में ही कुछ सिखाना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट है। ये ड्राइंग बुक मैंने अली हमज़ा का इंटरेस्ट पढ़ाई में देखकर, ये एक्चुअली ये फ़ोटोज़ अली हमज़ा के 6 मंथ पहले की है, तो पढ़ाई में अली हमज़ा का इंटरेस्ट देखकर ही मैंने ये ड्राइंग बुक मंगाई थी। स्टडी चल रही है, आपका पेन किधर है? आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। 1